हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा आज राजस्थान में हस्तकला का पार्ट थर्ड है। अगर आपने पहले वाले दो पार्ट नहीं देखे हो तो ज़रूर देखें। तो मित्रों, मैं बात करता हूँ नेक्स्ट तीसरे पार्ट के बारे में। हम बात कर रहे थे ब्लू पॉटरी के बारे में। मित्रों, हाँ, ब्लू पॉटरी ख़त्म हो गया था। उसमें एक बात और बताना चाहता हूँ मैं कि एक होती है ब्लैक पॉटरी। ये मित्रों ब्लैक पॉटरी है, ये क्या कोटा की फेमस है। ब्लू पॉटरी में क्या करते थे, हम ब्लू रंग को भरते थे और हरे रंग को भरते थे। इसके अंदर ब्लैक पॉटरी से नाम क्या है, ब्लैक यानी काला। काले रंग की चित्रकारी की जाती है किस पे, चीनी मिट्टी के बर्तनों पे। इस कारण इसको ब्लैक पॉटरी के नाम से जाना जाता है। मित्रों, आगे बढ़ता हूँ और बात करता हूँ नेक्स्ट, और जो कौन कौन सी हमारी कलाकृति हैं, उन कलाकृति उन हस्तकलाओं के बारे में बात करते हैं। तो चौथी है हमारी मित्रों मीनाकारी। तो बात करूँ मीनाकारी के बारे में, तो मित्रों ये कहाँ की फेमस है, मैंने सबसे पहले पढ़ाया था स्टार्टिंग के अंदर ही कि जो मीनाकारी में सबसे जो एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी की मंडी है। मैंने कहाँ बताया था आपको, सीतापुरा जयपुर के अंदर आपको बताया था मैंने कि मीनाकारी के लिए एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। तो मित्रों, हम बात करते हैं मीनाकारी की, ये जयपुर की फेमस है। और यहाँ के राजा हुए थे आमेर के राजा मान सिंह फर्स्ट। ये लेके आए थे लाहौर से। लाहौर से कहाँ लाए थे, जयपुर के अंदर। ठीक है फ्रेंड, और विशेष बात करूँ लाहौर में मीनाकारी का जो काम है वो सिख जाति के लोग करते थे। कौन सी जाति के, सिख जाति के लोग करते थे मीनाकारी का काम। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं उन कलाकार का नाम है सरदार कुदरत सिंह। ठीक है, क्या नाम है मित्रों, सरदार कुदरत सिंह, जिनको पद्मश्री से नवाजा गया। किससे, पद्मश्री। इसी प्रकार इसके जो मूल लेख कहाँ की थी, तो लाहौर से तो लाए थे कौन, आमेर के राजा मानसिंह फर्स्ट, जो ब्लू पॉटरी को भी लेके आए थे। इसी प्रकार ये भी जो मूल है ईरान की, कहाँ की, ईरान की, और वहाँ से लाहौर आई। ठीक है, और लाहौर से आमेर जयपुर के अंदर कौन लेके आए, जयपुर के जो महाराजा, आमेर के महाराजा मानसिंह फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इतने मैंने आपको बात बताई। और साथ में बात के अंदर सवाई जय सिंह, जो जयपुर के संस्थापक थे सवाई जय सिंह, इन्होंने सिटी पैलेस में भी इसको मीनाकारी करवाई थी। और यहाँ पे जो ये कलाकार है सिख जाति के, इनको शाही कलाकार की पदवी दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। और इसकी प्रोसेस क्या है मीनाकारी की, तो आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले क्या करते हैं कि ये पेंसिल से कागज़ पर, ठीक है, पेंसिल से कागज़ पर चित्र बनाते हैं, मीनाकारी करते हैं। उसके बाद पीतल, ठीक है, पीतल पे करते हैं क्या, सोने चांदी की बारीक खुदाई करते हैं। ठीक है, और पीतल पे सोने चांदी की बारीक खुदाई करते हैं, फिर उसमें रंग भरते हैं और फिर बाद में उसको पकाते हैं और पॉलिश किया करते हैं। ठीक है, ये तो आपको इतना इम्पोर्टेंट है नहीं याद करने के लिए, जो मैंने आपको बताया पहले वही याद करना है। तो मित्रों, बात करता हूँ आगे, जो नेक्स्ट हमारी कला है वो है उस्ता कला। उस्ता कला के बारे में मैंने पहले ही बात की थी जब हमने चित्रकला पढ़ी थी। ठीक है, तो उस्ता कला के बारे में बात करता हूँ मित्रों, ये प्रसिद्ध कहाँ की है, तो बीकानेर की। उस्ता कला बीकानेर की फेमस है, और इस कला के लिए बीकानेर का मुस्लिम उस्ता परिवार फेमस है। कौन, बीकानेर का मुस्लिम उस्ता परिवार फेमस है। और ये होती क्या है ये भी मैं बताऊंगा आपको। इसको बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह हुए थे, वो लाहौर पाकिस्तान से लेकर आए थे। ठीक है, कौन, बीकानेर महाराजा अनूप सिंह। ठीक है,
अनूप सिंह हुए थे वो कहाँ से लेके आए थे? लाहौर पाकिस्तान से। कहाँ पे लेके आए थे? बीकानेर के अंदर। ठीक है, बात तो हुई ये। और राय सिंह जो महाराजा राय सिंह हुए थे उनके काल को उस्ता कला का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उस्ता कला का स्वर्ण काल। इतनी बातें हाई होप आपको समझ में आ गई होगी। उसके मैं बात बात करता हूँ कि उस्ता कला होती क्या है। तो उस्ता कला क्या होती है मित्रों, कि ऊँट की खाल होती है, इस पे सोने से चित्रकारी करते हैं। ऊँट की खाल पे सोने से चित्रकारी करना मित्रों क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। ठीक है, और बात करें उस्ता कला के जनक कौन थे, तो उस्ता कला के जनक की बात करूं तो उस्ता कला के जनक जो थे वो थे स्वर्गीय हिस्सामुद्दीन उस्ता बीकानेर राजस्थान के अंदर। ठीक है, और बात करें साथ में और बात करें इनको पद्मश्री से नवाजा गया। ठीक है, वर्तमान के अंदर जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वर्तमान के अंदर उनका नाम क्या ये भी देख लीजिए। वर्तमान के अंदर प्रसिद्ध कलाकार का नाम है जहरुद्दीन उस्ता बीकानेर और मोहम्मद हनीफ ये वर्तमान के अंदर प्रसिद्ध कलाकार हैं। और साथ में बात करें इनको प्रोत्साहन देने के लिए एक केंद्र की स्थापना की गई, तो प्रोत्साहन केंद्र ठीक है उसका नाम है कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर। क्या नाम है? कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर। तो दिल से जो भी बातें थी मैंने आपको सब बता दी। शायद इसी से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर बताना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। ठीक है, जिससे आपको डेली की डेली अपडेट मिलती रहे। तो नेक्स्ट जो कला है वो बात करता हूँ मित्रों, मथेरण कला। मथेरण कला क्या होती है इसके बारे में ही हम बात करते हैं। तो मथेरण कला ये भी बीकानेर की फेमस है मित्रों, और इस कला के लिए एक बीकानेर का कौन सा परिवार? जैन परिवार, यानी कि जैन मथेरण परिवार। बीकानेर का जैन मथेरण परिवार प्रसिद्ध है। ये मथेरण कला होती क्या है मित्रों, ये भी बात करते हैं कि क्या होता है कि जो धार्मिक स्थान होते हैं मित्रों, धार्मिक स्थानों की दीवारों पर पौराणिक कथाओं से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं जिसे मथेरण कला कहते हैं। जैसे कि हमारा मंदिर है मित्रों, और ये मंदिर की दीवार ठीक है, इस मंदिर की दीवार पर किसी भगवान का या फिर किसी कथाओं का चित्रण किया जाता है। ये कौन सी कथा है? पौराणिक कथा है, कथा का चित्रण किया जाता है जिसे बोलते हैं मथेरण कला। और बाद में क्या करते हैं, इसको आकर्षक रंगों से सजाया जाता है। ठीक है, फिर बता दूं एक बार कि धार्मिक स्थानों पर पौराणिक कथाओं से संबंधित बनाए गए भित्ति चित्र ही मथेरण कहलाते हैं। फिर बढ़ता हूँ आगे और नेक्स्ट बात करता हूँ मित्रों, एक कला है कुपी। कुपी क्या होती है इसके बारे में बात करता हूँ। ये बीकानेर की फेमस है मित्रों। ठीक है, ये कुपी होता क्या है? ये क्या होता है कि मित्रों ऊँट मर जाता है, ऊँट मर जाने के बाद उसकी खाल उतारते हैं और उस खाल से एक जलपात्र का विकास करते हैं, जल पात्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल पात्र। ऊँट के खाल से बनाया गया जल पात्र ही क्या कहलाता है मित्रों? कुपी कहलाता है। और ये तो कुपी कहलाता है, और इसी का अगर बड़ा रूप ले, कुपी का बड़ा रूप यानी बड़ा आकार कहलाता है मशक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्या तो आपको पूछे। तो ऊँट की खाल से बनाया गया, ऊँट की खाल से बनाया गया जल पात्र कहलाता है कुपी, और इसी का बड़ा आकार कहलाता है मित्रों मशक। फिर नेक्स्ट बात करता हूँ मित्रों, दीवड़ी। दीवड़ी क्या होती हैं ये भी देख लेते हैं कि मतलब क्या करते हैं। ये कपड़े से एक जल पात्र बनाते हैं, आपने देखा होगा
कि लोग जो खेतों में जाते हैं वो इस प्रकार कपड़े से जलपात्र बनाते हैं, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा जाता है और ये ठंडा रहता है इसके अंदर पानी भरने के लिए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं दीवड़ी। ये कपड़े से बनाया गया जलपात्र क्या कहलाता है? दीवड़ी कहलाता है। और ये किसानों का फ्रिज होता है, किसान जब खेत में जाते हैं तो साथ में ले जाते हैं और इनको ठंडा पानी मिल सके गर्मियों के अंदर, इस कारण बोलते हैं इसे किसानों का फ्रिज। तो एग्ज़ाम में आए कि किसानों का फ्रिज किसे बोलते हैं, तो आपको डायरेक्टली टिक करना है किस पे? दीवड़ी पे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट बात करता हूँ, और नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों, वो है हमारे मित्रों बादला। बादला क्या होता है मित्रों? पहले तो आप देख लीजिए कि बादला फेमस कहाँ का है, जोधपुर का। अब मैं बताऊँ आपको कि होता क्या है मित्रों। जिंक से बनाई गई बोतलें, यानी जिंक से बोतलें बनाते हैं, ठीक है, और जिनमें पानी को ठंडा रखा जाता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जिंक से बनाई गई बोतलें जो पानी को ठंडा रखने के लिए काम में लेते हैं उसे बोलते हैं बादला, ठीक है। और इसे बोलते हैं गर्मियों का फ्रिज, यानी उपनाम की बात करूं तो गर्मियों का फ्रिज, किसानों का फ्रिज मैंने बताया दीवड़ी, और गर्मियों का फ्रिज मित्र हो जाएगा आपके बादला। ये जोधपुर में बहुत सारी बनाई जाती है, फेमस हैं, ठीक है। ये भी एक कपड़े से बनाई जाती हैं, ठीक है, जैसे कि कोई बर्तन है वहाँ पर, बर्तन उसके ऊपर कपड़े को चढ़ाते हैं और फिर उसको डिजाइन करते हैं, बस इस पर ही पका रहे हैं कुछ। और जो मूल रूप से बात करें, जो इसके कारीगर थे मूल रूप से, वो कहाँ के थे? वो थे मित्रों नागौर के, ठीक है, नागौर के निवासी थे मूल रूप से। ये तो मित्रों मैंने बात की बादले के बारे में। और इसी प्रकार नेक्स्ट बात करता हूँ, सुरैया क्या होती है? अभी सभी जो पानी के जलपात्र हैं पानी को रखने के लिए, इनकी बात करें सुरैया, ठीक है। सुरैया जैसे कि अपन बोलते हैं मटकिया नहीं होती मित्रों, मटकिया, ठीक है, आपने देखा होगा इस प्रकार की जो मेले के अंदर मिलती हैं, ठीक है, यहाँ मुँह पतला होता है ये सुरैया, तो ठीक है फ्रेंड। और ये फेमस कहाँ की है? रामसर गांव, बीकानेर, रामसर गांव बीकानेर की सुरैया फेमस है। और साथ में मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया था जो बकरियों की नस्लों के बारे में बताया था, उस टाइम मैंने बताया था कि रामसर गांव अजमेर, वहाँ पे क्या है आप बता दो मुझे, वहाँ पे क्या है मित्रों? बकरी प्रजनन केंद्र, ठीक है मित्रों, रामसर गांव अजमेर के अंदर बकरी प्रजनन केंद्र है, और रामसर गांव बीकानेर के अंदर सुरैया बनाई जाती हैं, वो वहाँ की फेमस है। उसी प्रकार बढ़ता हूँ आगे और नेक्स्ट बात करता हूँ, ऊनी कंबल। कालीन के बारे में बात करते हैं, तो मित्रों जो ऊनी कंबल हैं ये, और ऊनी कंबल व कालीन वो कहाँ के फेमस हैं? तो वो है मित्रों जैसलमेर और बीकानेर के, कहाँ के? जैसलमेर और बीकानेर के फेमस हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे जो भेड़ हैं ऊँट हैं वो पाए जाते हैं ज़्यादा मात्रा में, इस कारण अपन कह सकते हैं जैसलमेर के ऊनी कंबल व कालीन फेमस हैं। और बात करें एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ पे है, ये भी आपको याद रखना है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी मित्रों कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, इस कारण बीकानेर को कहते हैं ऊन का घर, ठीक
क्या बोलते हैं उनका घर। फिर उसके बाद आप नोट के रूप में कुछ बातें लिखिए, नोट कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है राजस्थान का। तो सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला जिला है मित्रों राजस्थान के अंदर है जोधपुर जिला। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। और जो सर्वाधिक ऊन प्राप्त करने वाली भेड़ की बात करें, वो भेड़ कौन सी है, तो भेड़ है मित्रों मारवाड़ी नस्ल की भेड़। मैंने पढ़ाया है, जब भेड़ों के बारे में बात की थी तभी मैंने पढ़ा दिए थे आपको, ठीक है। और मैंने बताया था कि उन्नत नस्ल की जो अच्छी गुणवत्ता वाली भेड़ों का अच्छी जो उन गुणवत्ता वाली ऊन है वो कौन सी भेड़ों से प्राप्त होती है, तो वो होती है मित्रों चोकला। मैंने बताया था शेखावटी के नाम से जाना जाता है, वो भी मैंने आपको देख लेना अगर आपने नहीं देखे हो, हमारे पार्ट थे राजस्थान पशुधन उनके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो और साथ में बात करें केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, ये कहाँ पे है मित्रों, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ये है जोधपुर के अंदर। तभी तो मैंने तमाम प्रकार की बातों का जिक्र किया जो एग्ज़ाम में आती रहती हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। फिर बता रहा हूँ आपको, अगर वीडियो नहीं मिले तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको सब वीडियो अवेलेबल हैं। थैंक यू।